हेलो दोस्तों, मैं और सर्किट एक बार फिर हाजिर हैं हमारे चैनल क्यूरियस पंती में, और आज हम आपको समंदर की सैर कराएंगे। भाई, इश्क समंदर दिल के अंदर। चुप बंदर। हाँ हाँ भाई। तुझे पता है समंदर में अर्थ के सरफेस का लगभग 2/3 हिस्सा होता है और इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। भाई, ये सुनकर मेरे हृदय का आत्मविसर्जन हो गया। अभी और होगा, ये सुन। समंदर की औसत गहराई 12,000 फीट से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन समंदर का सबसे गहरा हिस्सा मरियाना ट्रेंच का एक सेक्शन है जिसकी गहराई है 36,070 फीट और उसे चैलेंजर डीप भी कहते हैं। ये इतना गहरा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसकी गहराई में रखा जाए तो भी उसके ऊपर 1 मील से ज्यादा पानी होगा। इस एरिया का नाम है HMS चैलेंजर। HMS बोले तो हमारे मोहल्ले का शाना। इस गहरी जगह पर सबसे पहले जाने वालों में से हैं जैक्स पिकार्ड, एक फ्रेंच ओशनोग्राफर, और डॉन वॉल्श, जो US नेवी के एक लेफ्टिनेंट हैं। लेफ्टिनेंट बोले तो टेंट वाला। नहीं, तू आगे सुन। उन्होंने 1960 में बैथीस्कैप फ्रिएस्ट नामक एक सबमर्सिबल जहाज में लगभग 36,000 फीट की गहराई का सफर किया था। क्या गहरी बात बोली भाई। आगे सुन। ट्रेंच मरियाना टेक्टोनिक प्लेट की वजह से बनी है जिसके नीचे पैसिफिक प्लेट है। ट्रिएस्ट का परीक्षण करते समय पिकार्ड हाईएस्ट एल्टीट्यूड बलून फाइट का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। किसके बर्थडे का बलून भाई? पता है, नीचे जाने के लिए उन्हें 5 घंटे लगे, पर सतह तक वापस आने के लिए उन्हें 3.5 घंटे लगे। बोले तो स्लो मोशन रिटर्निंग। भाई, ये कांच क्यों टूट रहे ले? वो इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक व्यूइंग स्क्रीन में क्रैक पड़ने की वजह से वो सिर्फ 20 मिनट ही नीचे रह पाए। दोस्तों, आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि पृथ्वी पर जीवन की बहुत सी वैरायटीज हैं, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सभी लाइफ फॉर्म्स में से 94% एक्वाटिक है। मतलब अपन इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं है? ऐसा नहीं है, तू पॉजिटिव साइड तो देख। ऐसा मानते हैं कि समुद्र में जीवन लगभग 3 बिलियन साल पहले विकसित होना शुरू हुआ था, लेकिन धरती पर सिर्फ 400 मिलियन वर्ष पहले ही इसकी शुरुआत हुई है। भाई भाई, ये धरती पे कछुआ कितने पहले आया था? तुझसे भी पहले। वैसे कहा जाता है कि जेलीफिश डायनासोर से भी पहले से है। भाई, कितना पहले से? करीब 650 मिलियन साल पहले से। पता है, अभी तक समंदर के बारे में सिर्फ 5% ही खोज की गई है, और संभावना है कि अभी भी हजारों प्रजातियां खोजी जा सकती हैं। भाई बस ना, मैं थक गया। हम अक्सर सोचते हैं कि समंदर की गहराई में जलपरी या डराने वाले जीव होते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ कई प्रकार के जीव होते हैं। भाई भाई, स्माइल करो ना, फोटो खिंचा रहे। भाई, एक आइडिया आला, क्यों ना अपन भी रिसर्च का काम करते हैं। वैसे ये झिंगा झिंगा रोजेस क्या है? इसका नाम है एथ्रोपॉड्स, और इसकी लंबाई 15 से 30 सेंटीमीटर होती है। वैसे ये दिखने में झींगे जैसे ही दिखते हैं, और इन्हें फोरामिनिफेरा भी कहा जाता है। भाई भाई, ये सुनकर तो अपने दिमाग का हेरा फेरा हो गया। ये है सी क्यूकम्बर्स, यानी समुद्री खीरे। ये एक साथ सीवेट समूह से बाहर निकलते हैं। जरूर इनको अकेले डर लगता होगा। नहीं नहीं, ये निकलते हैं खाना जुटाने के लिए। समंदर की तह में बहुत समुद्री जीव होंगे, लेकिन लाइट का ना होना और ज्यादा ठंड के साथ साथ भोजन की कमी होने के कारण ये जिंदा नहीं रह पाते। ए भाई, उधर के पॉलिटिशियन भी करप्ट है क्या? पता नहीं, पर ये पता है, दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जिसे मिड ओशन रिज कहते हैं, लगभग 65,000 किलोमीटर की दूरी पर पूरी तरह से पानी के भीतर खींची जा सकती है। भाई भाई, उधर रेंट क्या होएगा? तू तो वसूली करता है, रेंट कहाँ देता है? बस क्या देगा ना भाई। इतना बड़ा होने के बावजूद समंदर को मार्स या वीनस के मुकाबले कम एक्सप्लोर किया गया है, और दुनिया के समंदर में कई हजारों जहाज के टुकड़े मौजूद हैं। तभी तो भाई बोलता हूँ, चलते ना अपन, नया बिजनेस करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सपायरी डेट से पहले ही खाने की चीजें क्यों खराब होने लग जाती हैं? शायद आप ना माने, लेकिन इसकी वजह है उसे सही ढंग से ना रखना। जी हाँ, अलग अलग खाद्य पदार्थों को अलग अलग तरह से रखने की जरूरत पड़ती है ताकि वो खराब ना हो। आइए आज हम उन तरीकों के बारे में जानते हैं। पहला है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को सूखी और अंधेरी जगह पसंद होती है, इसलिए अच्छा होगा कि आप उन्हें धूप से दूर ही रखें और ना ही उन्हें फ्रिज में रखिए, क्योंकि संक्षेपण यानी कंडेंसेशन और ठंडक की वजह से वो सड़ सकते हैं। दूसरा है मशरूम यानी कुकुरमुत्ता। सबसे पहली बात तो ये कि ताज़ा मशरूम को 1 दिन से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। यदि रखना पड़ भी जाए तो इसके लिए 2 तरीके हैं। इन्हें रखने के लिए पेपर बैग का इस्तेमाल करें और उसके बाद फ्रिज के अंदर 1 दिन के लिए रख दें। और अगर ज्यादा दिन के लिए रखना भी है तो उन्हें अच्छी तरह से पानी से साफ करके फ्रीजर में रख दें। तीसरा है ताज़ा साग और हरी पत्तेदार सब्जियाँ। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हरी पत्तेदार सब्जियों को कांच के एक मर्तबान में पानी भर कर रख देते हैं, लेकिन 1 मिनट, ये सही तरीका नहीं है। साग और पत्तेदार सब्जियों को स्टोर करने का सही तरीका है कि उन्हें पेपर बैग में डालकर फ्रिज में स्टोर किया जाए। अब आप सोचेंगे कि क्यों? क्योंकि पेपर से बना बैग या अखबार अतिरिक्त नमी को सोख लेता है और उन्हें ताज़ा रखने में भी मदद करता है। चौथे नंबर पर है मांस मछली।
यदि आप मीट खाने का सोच रहे हैं तो आप उसे तभी खरीदें जब आप उसे पकाने वाले हों। जी हाँ, आपने सही सुना, मांस में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो उसे तेजी से सड़ाने लगते हैं और उसे खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मांस को एक या दो दिन तक स्टोर करने की सोच रहे हैं तो इसे एक प्लास्टिक शीट में अच्छे से लपेट कर डीप फ्रीजर में रख दें। पांचवें पर है केले। केलों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए आपको उन्हें अखबार या प्लास्टिक फिल्म में अच्छी तरह से लपेट कर किसी अंधेरी और सूखी जगह में रखना चाहिए। इस तरह से केले सड़ेंगे नहीं और खाते वक्त ताज़ा ही रहेंगे। छठा है शहद। इसे सही तरह से रखना आसान भी है और मुश्किल भी। शहद को किसी कांच के जार, मर्तबान या किसी धातु के डब्बे में ही रखना चाहिए। ध्यान रहे कि शहद को धूप से बचा कर रखा जाए ताकि इसके जीवाणुरोधी गुण यानी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को नुकसान न पहुँचे। इसे खाने की बाकी खुशबूदार चीजों से भी दूर रखना चाहिए ताकि ये उसकी खुशबू ना खींच ले। सातवां है दूध और दही। दूध और दही को फ्रिज में एकदम पीछे रखना चाहिए ताकि वहाँ पर इन्हें सही तापमान मिलता रहे। आगे की तरफ नहीं रखना चाहिए वरना दूध बहुत ही जल्दी खराब हो सकता है। आठवीं है ब्रेड। ब्रेड को किसी प्लास्टिक बैग, कपड़े के बैग या पेपर बैग में लपेट कर रखना चाहिए ताकि 5 दिनों तक उसकी गर्मी बनी रहे। अगर ब्रेड को 5 दिन से ज्यादा रखना है तो फ्रिज में कम तापमान पर रखना होगा वरना वो खराब हो सकती है। नवे नंबर पर है आटा और दालें। आपको इन्हें बाजार से लाते ही खोल लेना चाहिए। खोलने के बाद इन्हें या तो किसी मर्तबान में डाल दें या फिर किसी कांच के जार में। इससे इनमें कीड़े नहीं पड़ेंगे और ये काफी दिन तक ठीक भी रहेंगे। दसवें नंबर पर है अंडे। आजकल सभी फ्रिजेस में अंडे रखने के लिए अलग से जगह बनी होती है, लेकिन एक मिनट, वो जगह अंडों के लिए ठीक नहीं है। हम फ्रिज को लगातार खोलते हैं और इससे फ्रिज का तापमान कम होता रहता है। इस वजह से अंडे ज्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं, इसलिए आपको उन्हें फ्रिज में अंदर की तरफ रखना है ताकि उन्हें एक सामान्य तापमान मिलता रहे और वो खराब ना हो। एक गड्ढे में लगातार गिरते चले जाना, बादलों के बीच उड़ना, चांद को चढ़कर पकड़ना, हरे घास के मैदान पर भागना या एक खतरनाक ड्रैगन से लड़ना, ऐसे अजीब से और हैरान कर देने वाले सपने हम सभी को आते हैं। पर हम समझ नहीं पाते कि ऐसे सपने हमें क्यों आते हैं। सपनों को याद रखने में बड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं। क्या हर रात अपने सपनों को याद रखने का कोई तरीका है और उन्हें याद रखने की जरूरत क्या है, चलिए पता लगाते हैं। ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक दबाइए और शेयर कीजिए। शोधकर्ताओं का मानना है कि सपने बहुत जरूरी होते हैं, भले ही आपको ना लगे। मानव इतिहास की कुछ महान खोजें सबसे महान शख्सियतों द्वारा की गई थी जब वो सपने देख रहे थे। जरा सोचिए, अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने सपनों को माना नहीं होता तो क्या होता। आपको याद है ना, आई हैव अ ड्रीम, जॉब्स और स्वतंत्रता की स्पीच, जिसमें उन्होंने नागरिक और आर्थिक अधिकारों की बात की और इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में जातिवाद यानी रेसिज्म खत्म हुआ। हमें अपने सपने क्यों याद रखने चाहिए, इसके दो खास कारण है। पहला कारण, लोग हर रात कई सपने देखते हैं जो सिर्फ 5 से 20 मिनट तक ही चलते हैं। दूसरा कारण है, सपनों को याद रखने से हम कई समस्याओं को सुलझा सकते हैं। सोते वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन उन समस्याओं पर काम करता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड या सचेत मन नहीं कर पाता। रोजमर्रा की जिंदगी में लोग कई चुनौतियों का सामना करते हैं, फिर चाहे वो परिवार से जुड़ी हो, काम से, सेहत से या कोई क्रॉसवर्ड पजल जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे हैं। सपने हमारी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को बढ़ाता है। आपने ये फ्रेज सुना होगा, स्लीप ऑन इट, ये सच में काम करता है। सपनों को याद रखना, उन्हें संसाधित करना और उससे जानकारी इकट्ठा करने से आप कई और नए आइडियाज को जन्म देते हैं और अच्छे फैसले ले पाते हैं और साथ ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा 6 क्विक टिप्स अपने सपनों को याद रखने के लिए। डिसाइड करें या तय करें, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपना सपना याद रखना है। सोने से पहले ये तय कर लें कि आपको अच्छी तरह से सोना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। बिस्तर पर लेटने से 1 घंटा पहले बत्तियों को बुझा देना है ताकि आपका शरीर समझ जाए कि अब आराम की बारी है। रिकॉर्ड यानी दर्ज, सपनों को रिकॉर्ड करें। अपने सपनों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करें। आपने जो भी देखा उसे लिख लीजिए, जैसे कि आप कहां थे, भावनाएं और पात्र भी। आईज, सुबह उठते ही अपनी आंखें जल्दी से ना खोलें, उन्हें खोलने की तीव्रता पर नियंत्रण रखें, इससे आप शांत रहेंगे और सुबह उठते ही आप फोकस्ड रहेंगे।
जो लोग आराम से उठते हैं उन्हें अपने सपने ज्यादा याद रहते हैं। अफर्म यानी निश्चय, इस बात का निश्चय कर लें कि आप सपने को याद रखेंगे। अपने आप से कहिए, मैं अपने सपने को जरूर याद रखूंगा। सोने से पहले 3 बार इस बात को अपने आप से कहें। मैनेज, आपको अच्छी तरह से सोना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी गहरी नींद को पूरा करें। आप सपने ज्यादातर तब देख पाते हैं जब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स्ड होती है, इसलिए ध्यान रहे अच्छे से सोना है। शेयर यानी बांटें, अपने सपनों को परिवार में किसी के साथ, दोस्तों के साथ या जिनसे आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही वो सपने आपको याद रहेंगे। क्या आप सुबह कम से कम 3 से 5 बार स्नूज बटन दबाते हैं? क्या जागने के लिए आपको 5 बार अलार्म सेट करने की आवश्यकता पड़ती है? क्या आप काम पर अक्सर लेट हो जाते हैं क्योंकि आपका अलार्म नहीं बजता है? अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं या फिर जल्दी उठने में तकलीफ होती है, तो इन 5 अनोखे तरीकों को अपनाइए जिससे आप बार बार स्नूज बटन नहीं दबाएंगे और दिन भर अच्छा महसूस करेंगे। पहला नंबर, अपने अलार्म को दूर रखें। ऐसा करने से आपको अलार्म को बंद करने के लिए उठना और चलना होगा, इसलिए बार बार उसे स्नूजिंग पर रखना आसान नहीं होगा। जागने और चलने से आपके शरीर की मांसपेशियों को गति मिलेगी और इसलिए आप जाग जाएंगे। दूसरा नंबर, बत्ती जला दें या फिर कमरे के पर्दे हटा दें ताकि रोशनी अंदर आए। ज्यादातर लोग सोते समय कमरे में अंधेरा पसंद करते हैं, जबकि दूसरी तरफ रोशनी से उनकी नींद खुल जाती है, इसलिए सुबह उठते ही रोशनी पड़ने से आप नींद से जाग सकते हैं। तीसरा है, जागने का कोई उद्देश्य या कारण होना चाहिए। क्या आप कभी वक्त से पहले उठे हैं क्योंकि आपको फ्लाइट पकड़नी होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा होता है कि आपको उठते ही कोई काम करना है। रोजाना उठने का एक कारण निर्धारित करें, जैसे कि साइकिल चलाना या जिम जाने का फैसला करना। ऐसा करने से आप आराम से उठ जाएंगे और अलार्म को स्नूज पर नहीं डालना पड़ेगा। चौथा नंबर, सही चक्र में जागें। अध्ययनों से पता चला है कि पूरी नींद लेने के मुकाबले रेम स्लीप का लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल स्नूजिंग आपके दिमाग को भ्रमित करता है और आपके रेम सर्कल को प्रभावित करता है। रेम साइकिल के बीच में जागने से आपको नींद और सुस्ती महसूस होती है, इसलिए यदि आप सही समय पर सोते हैं तो आप सही समय पर जाग जाते हैं। पांचवा नंबर है, पानी पीना। सुबह उठते ही पानी पीना अच्छा रहता है, आप तरोताजा रहते हैं और जैसे ही पानी शरीर में जाता है आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि रात भर आप पानी नहीं पीते और सुबह उठते ही पानी पीने से आप सतर्क हो जाते हैं। पानी आपके मस्तिष्क को ईंधन देता है और थकान से छुटकारा दिलाता है। यदि आप सुबह पानी पीने के और भी आश्चर्यजनक लाभ जानना चाहते हैं